दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे फ्लिपकार्ट ऐप से अपने मोबाइल फोन के नंबर को रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि फ्लिपकार्ट ऐप से अपने किसी भी मोबाइल नंबर को कैसे रिचार्ज करते हैं और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक वॉच कीजिए। और इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के बाद अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए। तो गाइस मेरा नाम है बादल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिफोर ट्रिक्स। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए साथ में सीखते हैं। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट ऐप से अपने किसी भी मोबाइल नंबर को रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपके मोबाइल फोन में फ्लिपकार्ट ऐप इंस्टॉल नहीं है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट ऐप का लिंक दे दूंगा। आप सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर फ्लिपकार्ट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आएगा। अब आपको सिंपली कॉर्नर में 3 डॉट का एक आइकन दिख रहा होगा तो आपको सिंपली इस 3 डॉट के आइकन पर क्लिक कर लेना है। इस आइकन पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने में कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएगी। अब आपको थर्ड नंबर पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मोर ऑन फ्लिपकार्ट का, तो आपको सिंपली मोर ऑन फ्लिपकार्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सुपर क्वाइन जॉन का, तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में अगेन इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रिचार्ज का, तो आपको सिंपली इस रिचार्ज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में अगेन इस तरह की इंटरफेस आ जाएगी जिसमें आपको मोबाइल फोन रिचार्ज, ब्रॉडबैंड, डीडीएस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लैंडलाइन, इस तरह की कई सारी बिल्स को पे करने का ऑप्शन फ्लिपकार्ट आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि आप कैसे फ्लिपकार्ट ऐप से अपने मोबाइल फोन के किसी भी नंबर को रिचार्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली सबसे फर्स्ट पे ही एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मोबाइल फोन रिचार्ज का, तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आपको कुछ सेकेंड्स के लिए वेट करना है, तब तक ये लोडिंग लेगा। तो गाइस कुछ सेकंड वेट करने के बाद मोबाइल नंबर रिचार्ज करने को लेकर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने में ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर कर लेना है जिस मोबाइल नंबर को आप रिचार्ज करना चाहते हैं, चाहे वो मोबाइल नंबर किसी भी कंपनी का हो, आपको सिंपली उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो चलिए डेमो के तौर पर मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर लिया। मोबाइल नंबर इंटर करने के साथ ही आपको ऑपरेटर यहाँ से चूज कर लेना है कि आपका मोबाइल नंबर किस ऑपरेटर का है। तो मेरा सिंपली जियो है तो मैं यहाँ पर जियो सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको सर्कल सेलेक्ट कर लेना, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जिस भी अमाउंट का रिचार्ज करना है उस अमाउंट को यहाँ पर नीचे इंटर कर देना है, या तो फिर आप अपने मोबाइल नंबर के प्लान्स को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा चेक प्लान का, तो आप सिंपली यहाँ से भी जाकर अपने मोबाइल नंबर के प्लान को चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना 11 रुपये का रिचार्ज करके आपको डेमो के तौर पर दिखाऊंगा। तो मैं सिंपली 11 रुपीज़ को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा रिचार्ज नाउ का, तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का कन्फर्म रिचार्ज करने को लेकर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड टू पेमेंट समरी का, तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आपको कुछ सेकंड्स के लिए वेट कर लेना है। तो दोस्तों कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपको अपना अमाउंट ये पे करने को बोलेगा। तो आप चाहे अपना अमाउंट UPI के थ्रू भी पे कर सकते हैं, या तो फिर डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, या तो फिर नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने केस में यहाँ पर डेबिट कार्ड जो कि ATM कार्ड होता है उससे अपना अमाउंट पे करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले डेबिट कार्ड के ऊपर जो 16 डिजिट का एक नंबर होता है आपको उसको एंटर कर लेना है। उसके बाद एक्सपायरी डेट और CVV नंबर देकर आपको सिंपली सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं सारा फिलअप के आगे का प्रोसेस आपको बताता हूं। तो दोस्तों यहां पर मैंने अपने डेबिट कार्ड का यानी कि ATM कार्ड का सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दिया। इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड टू पे का, तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको कुछ सेकेंड्स वेट कर लेना है। अब दोस्तों मेरा ATM नंबर जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस पर एक OTP भेजेगा, तो मेरे मोबाइल फ़ोन में OTP आ गया। मैं सिंपली अपना OTP यहां पर इंटर कर लेता हूं। OTP इंटर करने के साथ ही मैं यहां पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही अगेन कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा ये ₹11 का रिचार्ज सक्सेसफुली हो चुका है। मेरे फ़ोन में एक मैसेज भी आ चुका है और साथ ही साथ एक स्लिप भी आ गया कि मेरा जो ये रिचार्ज था वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो दोस्तों ये थी फ्लिपकार्ट ऐप से अपने किसी भी मोबाइल नंबर को रिचार्ज करने का एक सिंपल प्रोसेस आ गया। मैं उम्मीद है कि इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक वॉच करने के बाद आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से ही कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़रूर से ही शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस लाल करके सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली इसी तरह के वीडियोज़ को अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ।